गाइस, अभी हमने गोवर्धन पूजा कर ली है। आप सबको भी पता है कि गोवर्धन पूजा का कितना महत्व है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासी और जानवरों से, भगवान इंद्रदेव के क्रोध से उनकी रक्षा करी थी और उन्होंने एक अंगुली पे पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाया था। जब से ये मनाया जाता है तो हम लोगों ने क्या मॉर्निंग में ही गोवर्धन जी भगवान की पूजा कर ली। हो गई वंश देगा कि परिक्रमा दिल्ली में सबसे पहले वो बाप बेटा बेटे बना ले। धोख दे लो बस सब। मन झुक के धोख दे बेटा। उधर बैठ के दे लो अपने घर के सामने, मुंह कर लो चाहे इधर कर ले, कैसे भी दे ले देनी है जिस इधर इधर मुंह करके दे, उधर बैठ के इधर मुंह जो फोटो आवे तेरे ऐसे दे, दोनों हाथ जोड़ ऐसे ऐसे और कैसे हो? अच्छा बताओ। इन भाईसा को फोटोज में खूब देखा है। मम्मा कैसे नहीं आए? वो मामी साहब है ना। तो गाइज ये हमारे प्यारे क्यूट से ननद भाईसा, सबसे छोटे ननद भाईसा, और बहुत दिनों से घर पे आए हैं, आते नहीं है, तो आपकी शिकायत, आप हमारे घर पे आते नहीं हो। और स्टडी वगैरह कैसी चल रही है? आप बताओ कैसे हो? तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ वापस डॉक्टर को दिखाने के लिए, और भी कोई काम था, तो मेरी क्या सूट सिलाई पे दिए हुए थे वो भी लेके आने हैं। वंश अभी अंदर बैठा है, आ रहे हैं वंश अभी, रुको। फाइल भूल गई थी और लॉक वगैरह लगा दी, तो अभी चंसा वापस गए हैं फाइल लेने के लिए। तो अभी चंसा है वो फाइल लेके आ गए हैं, मैं तो भूल गई थी, तो अभी निकलते हैं। जैसा कि गाइज आपने काफी वीडियोस अभी दो तीन दिन से मेरी वीडियोस में भी देख रहे हो कि मेरे बहुत ही ज्यादा पेट में पेन हो रहा है, तो मैंने फिर डॉक्टर को दिखाया। पहले तो फूड पॉइजन का था, हो सकता है वो भी कारण हो, लेकिन फिर उसके बाद में भी मेरे पेट में पूरी रात ही दर्द रहा, मैं सो ही नहीं पाई, बिल्कुल परेशान हो गई थी। चंसा और वंश को भी मैंने उठाया नहीं, मैंने सोचा फालतू में इनकी नींद खराब होगी। फिर मॉर्निंग में चंसा मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसे दीपावली के दिन फिर मेरे को जाना पड़ा। डॉक्टर ने बोला हो सकता है इनके सिम्टम्स स्टोन जैसे लग रहे हैं, तो फिर सोनोग्राफी वगैरह ब्लड टेस्ट वगैरह उन्होंने लिखे, तो हम लोग करवाने गए, तो वहां फाइनली रिपोर्ट में आया कि गॉल ब्लैडर में मेरी स्टोन है, दो स्टोन है, एक 12 mm का, एक 6 mm का। तो मुझे सुन के बहुत ऐसे हर्ट हुआ फिर, लेकिन कर क्या सकते हैं, जब आपकी बॉडी में कोई दिक्कत हो जाती है तो उसका यही है समाधान करना चाहिए, दुखी होने से कोई मतलब नहीं है। तो फिर मैंने फाइनली सोचा, उन डॉक्टर ने भी बोला कि ये जो गोल ब्लैडर में स्टोन होता है इसका कोई इलाज नहीं है, जैसे किडनी है, लीवर है, इनमें स्टोन वगैरह होते हैं तो वो रिमूव इजीली हो जाते हैं, जैसे नींबू वगैरह पत्थर चट्टा के लिक्विड वगैरह पीने से, बट जो गोल ब्लैडर में होता है उसका कोई इलाज नहीं होता, उसका लास्ट ऑपरेशन ही होता है, बिकॉज दिक्कत होती है फिर बाद में, ज्यादा बढ़ जाती है साइज वगैरह स्टोन्स की। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि दूसरे जो स्पेसिफिक इसी चीज के डॉक्टर हैं उनसे ट्रीटमेंट लिया जाए, और हो सके जहां तक मैं ऑपरेशन बहुत लेट करवाऊंगी, एंड अभी मुझे बहुत स्ट्रोंग रहना है। और आप लोगों को भी अगर पता है कि गॉल ब्लैडर का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है, आपके नियर बाई या आपके कोई भी रिलेटिव ने करवाया हो, तो प्लीज आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताना, उससे थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया मिल जाएगा। एंड ये है कि जिंदगी में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, अभी मैं काफी फुल मस्ती मजे में थी, लेकिन अभी वापस से थोड़ा सा रिकवर होके और वापस से अपडेट रहेंगे, एक्टिव रहूंगी, वापस से वैसे व्लॉग वगैरह बनाऊंगी। बस थोड़ा सा ऐसे हर्ट हुआ कि यार ये मेरे ही कैसे हुआ। वो भी इस टाइम जब मैं थोड़ी अच्छी, मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है मेरे को, उसी टाइम होना था ये भी।
और किडनी लीवर में होती तो वो है कि मैं रिमूव वैसे हो जाती, गोल ब्लैडर की थोड़ी सी क्या टेंशन से हो जाती है, बट कोई नहीं, मैं अपने आप को बहुत स्ट्रोंग समझती हूँ और आप लोग भी मेरे लिए दुआ करना कि मेरी जल्दी से जल्दी तबीयत ठीक हो जाए और वापस से मैं एक्टिव हो जाऊँ। सो गाइज अभी चलते हैं डॉक्टर के पास एंड देखते हैं कि डॉक्टर सर क्या बताते हैं। तो गाइस चंसा को गए हुए 10-15 मिनट हो गए, अभी तक तो बाहर आए नहीं, हम लोग बाहर गाड़ी में वेट कर रहे हैं। गाइस तो मम्मा खिड़की बंद नहीं कर रही, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, अब मम्मा हाथ नहीं लगाएंगे, देखना अपना। बेटा एसी मम्मा के अभी तबीयत खराब है तो होटल से बना हुकुम ने ये भेजा है, वंस लो आपके लिए, मैं तो नहीं खाऊंगी बिल्कुल भी बाहर का कुछ भी, लो पकड़ो। तो अभी वंस वहीं बैठ के खाओ ना, होटल में चले जाओ अंदर, नंबर को चटोकड़ू रहे वंस तो जहाँ जाता है, कभी दादोसा के दोस्त मिल जाते हैं कभी चंसा के, बस तेरे को तो बाहर ही बाहर का मिल रहा है। है क्या चीज? रसमलाई। अच्छा रसमलाई। सो गाइस अभी बना हुकुम है, ये क्या मिठाई का डिब्बा भी देके गए हैं, मिठाई का डिब्बा, लेकिन मैं तो खा नहीं सकती हूँ वंशु के लिए, मुझे बहुत सोच समझ के खाना पड़ेगा, इतने दिन मैं बहुत मजे से जो भी मिला वो खा लिया, भूखे भी रह गए, बट अभी थोड़ा सा डाइट प्लान चेंज करना पड़ेगा, सात्विक तरीके से जीना पड़ेगा, सोच समझ के खाना पड़ेगा। एक डिब्बा और लेके आ गए हैं काजू कतली का, चंसा ने बोला होगा कि मुझे पसंद है तो अपनी तरफ से उन्होंने काजू कतली का डिब्बा भी दिया है, तो मिठाइयों की लाइन लग चुकी है। वैसे भी मेरे पापा हुकुम है वो होटल में है तो हमारे मिठाइयाँ वगैरह खूब आती है। गाइस उन्होंने अब और मिठाई के डिब्बे, अच्छा एक ऑलरेडी दे दिया था ऐसा, और नमकीन वगैरह और दे दी, हाँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी दे दिए, खूब सारी मिठाइयाँ हो गई अपने तो। हाँ, मैं तो खा नहीं सकती, अब तुम दोनों खाओ एक दो महीने मेरे। गाइस अभी मैं शॉप पे गया बना हुकुम की, तो बनाने क्या है कि बहुत ज्यादा मिठाइयाँ दे दी मैंने, मेरे मना करने पे भी, तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे बहुत ज्यादा दे दी है बिल्कुल, क्योंकि एक उनके मन में तो एक रेस्पेक्ट है, और हालांकि मेरे को फील सही नहीं आता, वो तो अपनी इच्छा से दे रहे हैं, एक रेस्पेक्ट है, कुछ ज्यादा ही दे दी यार, और वो मेरे को रसमलाई के लिए भी बोल रहे थे, तो वंस तेरे को देके गए थे क्या? मैंने बोला भाई मैं तो नहीं खाऊंगा, तो बोले कोल्ड ड्रिंक लो चाय लो, तो मैंने बोला नहीं ये चीजें तो मैं लेता नहीं हूँ, ना चाय पीता हूँ ना कोल्ड ड्रिंक, कॉफी जरूर पी लेता हूँ, तो फिर वो मैंने बोला गाड़ी में बच्चा बैठा है उसको दिया हो आप, तो तेरे को तो मौज हो गई वंस, तो उन्होंने बहुत अच्छा लगा, और उनसे जो हम मांगते थे रकम तो उन्होंने वापस लौटा दी है वो, और हमने उनको इतनी मिठाई के साथ हमें विदा करा है उन्होंने, तो उनको बना को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। आज तो जैकपॉट लग गई मेरे, पूरे 50,000 है, अब ये 50,000 पूरे मैं लेने वाली हूँ जॉन। अच्छा गिफ्ट। हाँ दिवाली का गिफ्ट, गोल ब्लेडर में स्टोन होने का गिफ्ट। अच्छा अच्छा कितना छोटा सा गिफ्ट। और तो गाइस अभी दीपक वगैरह लगा देते हैं, आज गोवर्धन पूजा तो हम लोग क्या हमारे मॉर्निंग में कर लेते हैं, जैसे कुछ लोग हैं शेखावत रात को करते हैं, राठौर डिंग में करते हैं ऐसा सुना है, तो कई शाम को 5 बजे बाद में भी कर रहे हैं। गोवर्धन पूजा हो गई है और अभी दीपक वगैरह लगा देते हैं, पाँव में से दीपक कल के हैं, कल के उठाने हैं यार। हाँ तुलसी के भी इधर है बॉल, तो बहुत सारे दीपक पड़े हैं यार यहाँ। तो अभी चंद साहब 2-3 दीपक बचे हैं बाहर मेन डोर पे लगा दो इनको।
सो गए सारे?